हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपकी जो कॉलेज, मान लीजिए कि आपके घर से दूर है, तो आपके लिए एकोमोडेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हॉस्टल या फिर पीजी। कितने तरह के हॉस्टल्स है, पीजी है, कॉस्ट क्या रहेगी, वो सारा का सारा डिस्कशन आज के वीडियो में होने वाला है। सो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक सिंपल इंडेक्स बता देता हूँ कि आज के वीडियो में क्या क्या मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास एकोमोडेशन के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उसके बाद हॉस्टल, हॉस्टल में कितने टाइप्स होते हैं, किस हॉस्टल में रुकना चाहिए, कितनी प्राइस होगी, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पीजी। पीजी का फुल फॉर्म होता है पेइंग गेस्ट, यानी कि कोई एक मान लीजिए कि खुद का मकान है अहमदाबाद सिटी में, उसमें दो तीन कमरा एक्स्ट्रा है, तो फिर वो स्टूडेंट्स को देते हैं, तो उसको बोलते हैं पेइंग गेस्ट। इस तरह से काफी जगह पे मैंने देखा है, और अब तो पीजी का पूरा एक बिजनेस होता है, पूरा का पूरा घर ही दे देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो ये होता है पीजी का। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कॉस्टिंग, यानी कि कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा हॉस्टल और पीजी में रहने के लिए। और लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा सजेशन क्या होगा कि आपको हॉस्टल वर्सेस पीजी में से क्या सिलेक्ट करना चाहिए, वो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात कि मैंने यहाँ पे बोला कि आपके पास ऑप्शन क्या है, तो उसमें से पहला ऑप्शन आ जाता है रेंट अ रूम। देखिए, आप मान लीजिए कि तीन चार पांच फ्रेंड्स हो गए, तो फिर आप रेंट अ रूम यानी कि एक रूम को भाड़े पे, किराए पे ले सकते हैं। बट जनरली इन फर्स्ट ईयर देर इज नो वन गिव यू परमिशन फॉर अ रेंट अ रूम एंड स्टे। अब ये मैं आगे का सोच के बता रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये एडवाइस देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पहले साल में आपकी फैमिली की तरफ से भी परमिशन नहीं होता है, क्योंकि वो लोग मतलब कोई भी जनरली फर्स्ट ईयर में रूम रह के नहीं लेता है, बट उसमें प्रॉब्लम परमिशन की आती है। सो यू कैन रेंट इन रूम विथ 4 to 6 पीपल इन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये आप पहले साल में तो मत करना, बट मैंने सब क्या बोला कि आगे का सोच के मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप 4 से 6 लोग हो जाए, तो फिर आप तीसरे, चौथे और सेकेंड ईयर में एक रेंट रूम यानी कि रूम किराए पे ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका हॉस्टल, पीजी और दूसरे को एकोमोडेशन से ये आपका काफी सस्ता हो जाता है। सो आप 4-5 पीपल के साथ एक रूम किराए पे ले सकते हो, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है एकोमोडेशन के लिए। बट ये आप करना सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में, जनरली सेकेंड में भी नहीं होता है, थर्ड और फोर्थ ईयर में। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स है, उसने ऐसा ही किया था, तो उसमें वो काफी अच्छा हुआ, मतलब खर्च में काफी कम आई, ठीक है। सो ये आ गया पहला ऑप्शन। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग एंड दैट इज द समरस हॉस्टल। अब समरस हॉस्टल में अभी मैं आपको कुछ भी ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहता, एक जनरल ओवरव्यू ही देना चाहता हूँ। इसका रीजन क्या है कि राइट नाउ वी आर लिविंग इन द पेंडेमिक, कोरोना काल चल रहा है, और आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट में जितनी भी समरस हॉस्टल थी वो कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखी है, यानी कि वहाँ पे जब भी केस ज्यादा आने लगे तब वो समरस को एज अ हॉस्पिटल ट्रीट करते हैं। और अभी समरस में सिर्फ आपको ओवरव्यू ही देने वाला हूँ, क्योंकि उसकी ज्यादा डिटेल जब समरस रीओपन होगी तब मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो जितने भी पेशेंट है उसके लिए समरस हॉस्टल रिजर्व हो गई है। सो चलिए बात करते हैं इसके और होगी। यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एडमिशन। आपको एक समरस हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन करना होगा ऑनलाइन, बट कब, जब पेंडेमिक खत्म हो जाए, जब समरस हॉस्टल का ऐसा लेटर आ जाए कि समरस हॉस्टल फिर से रीओपन हो चुकी है, तब आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होगा एडमिशन के लिए। एवरीथिंग इज फ्री, समरस हॉस्टल में एक भी चार्ज नहीं देना है आपको, बिल्कुल 0 रुपए में आपका हो जाएगा, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसका रीजन क्या है कि ये गवर्नमेंट के अंदर आती है कम्प्लीटली, और इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। इसमें फैसिलिटीज काफी अच्छी है, आपने कहीं पर फोटो में भी देखा होगा, मेरे पास अभी इसका फोटो नहीं है, 8 से लेकर 10 फ्लोर की ये बिल्डिंग होती है, काफी अच्छा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अवेलेबल इन मेगा सिटी, अब समरस हॉस्टल है सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है, बट जितनी भी मेगा सिटी है जैसे कि हो गया अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, भावनगर, ऐसे मेगा सिटी में समरस हॉस्टल की फैसिलिटीज है। अब यहाँ पे खाने के लिए भी आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं, आपको बिल्कुल पैसे नहीं देने हैं, आपको रहने के लिए भी पैसे नहीं देने हैं, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। बट इसमें एडमिशन के लिए आपको जब भी ऑनलाइन लेटर भरे उसमें एक मेरिट डिक्लेयर होगा, तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर गवर्नमेंट की स्कीम है, सो ये पहली प्रायोरिटी जाती है SC ST फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट, और उसके
बाद जिसके टॉप रैंकर होते हैं, मेरिट अच्छा होता है, उन लोगों का सबसे ज्यादा चांस है। बट ये किस में ये आता है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए इतना ज्यादा नहीं होता है। गर्ल्स में सभी के सभी को एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि गर्ल्स में इतना ज्यादा नहीं होता है रस जितना कि बॉयज में होता है। सो बॉयज में ये थोड़ा सा टफ रहेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए, बट इट विल टेक सो मच टाइम फॉर रीओपन। जैसे कि मैंने बताया कि अभी के लिए ये क्लोज है, बट यहाँ पे मैं आपका मेरा एम सिर्फ आपको जनरल डिटेल देना था कि समरस हॉस्टल है क्या, ठीक है। सो अभी पैंडेमिक के चलते ये बंद है, जैसे ही खुल जाएगा तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म कर देगा। अब तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास हॉस्टल का। अब हॉस्टल में क्या है कि हॉस्टल में भी कितने तरह के टाइप रहते हैं, यहाँ पे मैंने सारे के सारे हॉस्टल के टाइप आपको मेंशन करके दिए। सो चलिए एक के बाद एक समझते हैं कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं हॉस्टल में। सबसे पहले आता है कि मान लीजिए कि आपका कोई कॉलेज में एडमिशन हुआ है और वहां पे ही आप हॉस्टल में रहते हैं। इसमें आ गया निर्मा, एलडी, विश्वकर्मा, बिरला विश्वकर्मा, डीडीयू। ये सारी की सारी कॉलेज ऐसी है कि जिसमें अपना खुद का कॉलेज का कैंपस में ही हॉस्टल की फैसिलिटीज है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द हॉस्टल। सेकेंड हॉस्टल इज कास्ट हॉस्टल। अब यहाँ पे मैं आप क्या समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि जो समाज होता है ज्ञाति होती है, उन लोगों ने हर एक मेगा सिटी में अपनी अपनी हॉस्टल्स रहती है। यानी कि सरदार पटेल जो केवल पटेल स्टूडेंट्स के लिए है, फिर प्रजापति हॉस्टल। यहाँ पे मैं कास्ट के बारे में कुछ भी भरा बुरा नहीं कहना चाहता, सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि काफी सारे अहमदाबाद में काफी सारी हॉस्टल है प्रजापति समाज के लिए, फिर ब्राह्मण समाज के लिए, फिर पटेल समाज के लिए। सिर्फ यहाँ पे मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी हॉस्टल की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है तो फिर आप वहाँ पे भी अकोमोडेशन ले सकते हैं। अब कॉलेज हॉस्टल का चार्ज कॉलेज डिपेंड करती है, कास्ट हॉस्टल का चार्ज हर एक कास्ट करती है। जबकि एसपी और काफी सारे हॉस्टल में बिल्कुल जो सोसाइटी यानी कि समाज की जो हॉस्टल होती है वहां पे 0 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया प्राइवेट हॉस्टल है। तीसरी टाइप है प्राइवेट हॉस्टल, और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फैसिलिटीज देना चाहते हो, और उसी सेम लाइक यू हैव टू पे फॉर द प्राइवेट हॉस्टल। अब सबसे महंगा ऑप्शन है प्राइवेट हॉस्टल का, बट आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, आपको ऐसा ही लगता होगा कि आप अहमदाबाद में नहीं बल्कि किसी फॉरेन की हॉस्टल में रहते हो। इसी तरह का एक अच्छा एनवायरमेंट बना होता है, सो ये काफी अच्छी है। और फोर्थ ऑप्शन है समरसता। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है समरस है क्या। सो ये हो गया है टोटल 4 टाइप ऑफ हॉस्टल। अब इसके अलावा भी काफी 2-3 ऑप्शन है, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट नहीं करते। सो ये है हॉस्टल के टाइप। अब बात करते हैं कि हॉस्टल लाइफ होती कैसी है। सो सबसे पहले कि आपको हॉस्टल में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो। अब हर एक हॉस्टल के अपने अपने रूल्स होते हैं कि 10 बजे से पहले आपको हॉस्टल में आ जाना है, फिर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको किस तरह से पहले से बताना होता है, कितनी लीव्स रह सकते हो, आपको पेरेंट्स को अंदर आने के लिए अलाउड नहीं है, हॉस्टल में फैसिलिटीज कैसी है, हॉस्टल का फीस कैसा है। ये हर एक हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके रूल्स किस तरह से होते हैं। फॉर कॉलेज इट इज लो प्राइस, कास्ट हॉस्टल एवरेज प्राइस। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलेज की बात कर लूँ तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज की जितनी भी कॉलेज होती है उसकी हॉस्टल आपको काफी लो प्राइस में मिल जाती है। अब एलडी की बात कर लो तो फर्स्ट ईयर के लिए 4,200 है, बाकी के 3 सालों के लिए 1,200 रुपीज है। निर्मा की बात करें तो निर्मा में अराउंड 40-50,000 है, डीडीयू में भी 40-50,000 है। अब यहाँ पे मैंने एवरेज कॉस्ट लिया, मैं एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट जनरली कॉलेज की हॉस्टल होती है उसमें प्राइस कम रहता है। अब कास्ट की हॉस्टल की बात करें तो वहाँ पे एवरेज प्राइस रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि अहमदाबाद में अभी काफी सारे समाज की हॉस्टल ऐसी है जो बिल्कुल भी फीस पे नहीं करती है, वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए आपको बिल्कुल पैसे देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब प्राइवेट हॉस्टल हो गया वो टू मच हाई, बट दे विल प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ फैसिलिटीज। अब यहाँ पे ये तो है ही, एक तो आपको एक थॉट है ना कि जितना अच्छा आप पैसा दोगे उतनी अच्छी आपको फैसिलिटीज मिलेगी। सो जितनी अच्छी आप प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करोगे उतनी अच्छी उसमें फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होगी। सो ये था ओवरऑल हॉस्टल लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं पीजी के बारे में। तो सबसे पहला रूल कि पीजी में कोई रूल ही नहीं है, समझ गए क्या कहना चाहता हूँ, कि ओनली वन रूल इन पीजी दैट देयर इज नो एनी रूल। यानी कि पीजी में आप जैसे चाहे रहना चाह सकते हो, आप रहे वहाँ पे रहो तो फिर ठीक है, आप पूरी रात बाहर रहो तो फिर ठीक है, आप सिर्फ सोने के लिए आओ तो भी चलता है पीजी में। इन शॉर्ट देयर इज नो एनी रूल इन द पीजी। पीजी में आपको जिस तरह से रहना है, जिस तरह से खाना खाना है, जिस तरह से सोना है, आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो पीजी में आप कर सकते हो। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइस है पीजी का ऑन एन एवरेज 7,500 रुपीज़। अब
अब पीजी के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूँ कि पीजी में किस तरह का कोर्स हो सकता है, आपको कितने तरह के पीजी में टाइप्स अवेलेबल है, पीजी में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, और पीजी के बेनिफिट्स, और वो सारे की सारे पीजी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें वो सारा का सारा मैं आपको दिखा दूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको जनरली आपको एक बता दूंगा, पीजी का एवरेज प्राइस आपको लेके चलना है 7,500। अब अहमदाबाद में काफी सारे पीजीज है जो आपको 5,000 यानी कि 5,000 में भी देते हैं, और काफी सारे पीजीज है जिसके लिए आपको 10,000 तक भी पे करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको ऑन एन एवरेज प्राइस बता देता हूँ कि पीजी के लिए आपको 7,500 रुपीज पे करना रहता है हर एक मंथ के लिए। अब अवेलेबल इन लो प्राइस टू हाई प्राइस, जैसे कि मैंने बताया कि काफी कम प्राइस पे भी शुरू होता है, काफी ऊपर तक भी जाता है, बट एवरेज क्या निकलता है 7,500। अब लो प्राइस में क्या होगा कि ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे और आपको कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करना होगा। मान लीजिए कि आप 5,000 वाले पीजी में रह रहे होंगे तो एक ही रूम में उसमें 3 से लेकर 4 स्टूडेंट्स भी होते हैं, कमरा काफी छोटा है, बट भाई क्योंकि आपको 5,000 में फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स ज्यादा है, आपको कॉम्प्रोमाइज भी ज्यादा करना पड़ेगा, आपको स्पेस कम मिलेगी, आपको कबट छोटा मिलेगा, आपको टेबल नहीं मिलेगी। सो ये होती है लो प्राइस के लिए। अब हाई प्राइस की बात करें, जैसे मैंने बताया कि 8,000 9,000 में भी मिलता है, वहाँ पे लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं और गुड फैसिलिटीज होती है। सो दिस इज वॉट अबाउट द हाई प्राइस। जैसे कि मैंने बताया कि पीजी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पीजी का ओवरव्यू ही देना चाहता हूँ। सो ओवरव्यू में ऐसा है कि पीजी में आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं होती है। आपको मतलब रात में सिर्फ सोने के लिए आना तो भी ठीक है, आप पीजी में 2-3 दिन तक नहीं आते तो भी चलता है। सो दिस इज वॉट अबाउट द पीजी, जबकि हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है। अब एक और बात की यहाँ पे मैंने हॉस्टल में कॉस्ट नहीं लिखी है, इसका रीजन क्या है कि हॉस्टल में आपका कोई कॉस्ट फिक्स नहीं रहता है, आप किस तरह की हॉस्टल में जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज का एलडी का आपको बता दिया, निर्मा का आपको बता दिया। अब मान लीजिए कि कोई एक समाज की सोसाइटी की हॉस्टल है तो उसका प्राइस यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। सो इसलिए आपको ऑन एन एवरेज प्राइवेट हॉस्टल का 50,000 एक साल का यहाँ पे लेके चलना है, 50,000 फॉर 1 ईयर, दिस इज द एवरेज प्राइस। कोई ये मत बोलना कि अपने पेरेंट्स को कि देखिए ये सर ने बोल दिया कि 50,000 आपको देना होगा। काफी जगह पे आपको 60,000 में भी मिलेगा, काफी जगह पे आपको 40 में भी मिलेगा, काफी जगह 30 में भी मिलेगा। बट वन सिंपल रूल इज कि जितना कम प्राइस उतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, जितना ज्यादा प्राइस उतना कम कॉम्प्रोमाइज और उतनी अच्छी फैसिलिटीज, ये एक सिंपल रूल होता है कोई भी हॉस्टल या फिर पीजी का, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि स्टे इन गुड एनवायरनमेंट। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी एडवाइस यही रहेगी कि आप जहाँ पे भी रहो हॉस्टल या फिर पीजी में, थोड़े से पैसे ज्यादा देने देना बट अच्छी जगह पे रहना। इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर एनर्जी, योर मेंटल हेल्थ विल बी गुड इफ यू आर इन अ गुड लोकेशन। इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि हर एक टाइम आप रात को इंजीनियरिंग में 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12, कभी कभी तो लोग 1 या 2 बजे तक भी सोते नहीं है। फिर क्या होता है कि वो सुबह सुबह 8-9 बजे उठते हैं। सब जैसे ही अपने मॉर्निंग में वेकअप करोगे उसके सामने एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, सामने की खिड़की से सनलाइट आता होगा, काफी एसी होगा, तो मतलब इन शॉर्ट अच्छा लोकेशन होगा तो आपकी मॉर्निंग फ्रेश होगी। जितनी अच्छी आपकी मॉर्निंग होगी उतना ही अच्छा आप दिन भर इंजीनियरिंग की स्टडी कर पाओगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि सुबह उठते हो आपके सामने सब कुछ कचरा पड़ा है, यहाँ पे किसी का बैग पड़ा है, किसी के कपड़े यहाँ पे लटक रहे हैं। सो फिर ये मेंटली आपको इफेक्ट करता है कि आप ऐसा एक मॉर्निंग में अच्छे से बूस्ट नहीं आ पाती है और उसके वजह से आपका दिन भी अच्छा नहीं जाता है, ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल है, आप मानो या फिर ना मानो, वो मैंने एक सिंपल आपकी एडवाइस दी है कि आप जहां पे भी रहो अच्छी जगह पे रहना, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा कम करना बट अच्छी जगह पे रहना, ठीक है। अब वॉट इज द बेटर, सिंपली माई एडवाइस इज कि इट इज कम्प्लीटली ऑन यू कि आप किस तरह से रहना चाहते हो, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो 4 साल इंजीनियरिंग में, दैट इज दैट वेयर यू कैन फील कम्फर्टेबल। सो इन माई ओपिनियन बोथ आर गुड। अब जहाँ पे भी आप कम्फर्टेबल हो सके, आप हॉस्टल में कम्फर्ट रह सकते हो या फिर पीजी में, वो आप जहाँ पे भी कम्फर्टेबली रह सकते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट पीजी का एक होता है कि वहाँ पे ज्यादा आपको छूट छाट मिलती है, जैसे कि हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है, हॉस्टल में आपको रूल्स फॉलो करने रहते हैं, पीजी में एक नहीं है, सिर्फ यही एक डिफरेंस रहता है, ठीक है। सो इन माई ओपिनियन बोथ आर गुड। अब यहाँ पे मैंने पीजी की इतनी बुरी बुरी बात कर दी बट ऐसा नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स पीजी में भी रह के अच्छे से पढ़ाई करके हर एक सेमेस्टर में 9+ SPI लेके आते हैं। अब यहाँ पे SPI एक नया वर्ड आ गया है, SPI क्या है पता है? नहीं पता है तो बिल्कुल कमेंट में लिखना, इसके ऊपर वीडियो आएगी। SPI, CPI, CGPA ये होता है आपके इंजीनियरिंग के रैंकिंग कि आपको हर एक सेमेस्टर में कितने SPI आते हैं, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे पीजी का कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छे मार्क आएंगे, आप ज्यादातर छूट छाट मिलने की वजह से आप घूमने जाओगे तो फिर आपका मार्क में इम्पेक्ट हो सकता है, ठीक है।
अगर आपको मेरे लिए कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज लाइक माई वीडियो, इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और पर्सनली आस्क मी। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड इफ यू न्यू टू द माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।